द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मान लो जैसे यहाँ रैंडम मूव कर रहे हैं, सडनली आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, फोर्स बराबर क्या एम ए, और ये ई ई लिखते हो, एम ए लिखते हो, एक्सेलरेशन हो जाता है ई ई बाय एम. फिर आप उस फॉर्मूले में रख देते हो यू प्लस ए टी में, ए टर्म में, और आपका ड्रिफ्ट स्पीड आ जाता है. यही वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन तो होता है ना, फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. फिर पढ़ते हैं द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स. यही है ना फोर्स, देखो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर. बट फोर्स को हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहिए, मैंने निकाल भी दिया एक्सेलरेशन. वाई डू देन इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ए स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड. अब आप नोटिस करेंगे जब आप मेरा दोबारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वीडियो देखेंगे, मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, इंडिविजुअली सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेटेड ऑलरेडी एक्सेलरेटेड स्पीड का एवरेज है. ऐसे निकालते हो ना V1 फिर V2 फिर V3, हो तो रहा है एक्सेलरेशन, हो तो रहा है, मना नहीं कर रहा एक्सेलरेशन करने को, लेकिन हमारी ड्रिफ्ट स्पीड ये वाली स्पीड नहीं है जो हाईएस्ट अटेंड स्पीड है. हमारी ड्रिफ्ट स्पीड है सारी की सारी स्पीड्स का एवरेज. तो एवरेज तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, ठीक है. तुम लिखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड इज द एवरेज ऑफ ऑल मैक्सिमम वेलोसिटीज अटेंड बाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स. तो इस वजह से एवरेज की वजह से वो कांस्टेंट हो जाता है. तो ये इसका कारण है. ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, सारे के सारे उल्टे पूछे जा रहे हैं, घुमाने वाले हैं. अभी तक लाइट बंद करोगे तो लाइट बंद क्यों तुरंत हो जाती है, उसके पहले बताएंगे कि देखो स्पीड तो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे घुमाएंगे आपको. और वो उससे ताल्लुक ही नहीं रखता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वहाँ जाना नहीं होता, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट नहीं बनता. ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है, वाई डू इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर स्टडी एवरेज स्पीड, कि वो ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन ही नहीं है. फिर उन्होंने घुमा दिया. ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन क्या है, कि वो एवरेज है सारी ऑलरेडी इंक्रीज वेलोसिटीज की. वो कह रहा है एक्सेलरेशन होना चाहिए फिर तो, पर क्यों नहीं होता एक्सेलरेशन, कांस्टेंट क्यों होती है. वो फिर घुमा रहा है आपको, होता है एक्सेलरेशन, मना नहीं किया है, हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है, पर जब एवरेज ले लोगे तो कहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन, एवरेज है वो तो.